Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Bakhair raghle to my channel Kitchen with Jia. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और आज की हमारी रेसिपी है छोले। और आज हम वो छोले बनाएंगे जो आपको सर्व किए जाते हैं पूरियों के साथ। तो आप इंतज़ार किस बात का, सबसे पहले चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उबले हुए छोले आधा किलो, चॉप अनियन एक अदद, घी हाफ कप, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, हल्दी पाउडर क्वार्टर टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा हुआ सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून, कलवंजी हाफ टी स्पून, कुटा हुआ सौंफ हाफ टी स्पून, साबुत हरी मिर्चें 3 अदद, अदरक पेस्ट हाफ टी स्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून। और गार्निशिंग के लिए हमारे पास है चॉप किया हुआ धनिया 1 टीस्पून। अब सबसे पहले हम ब्लेंडर में प्याज और हरी मिर्चों को ब्लेंड करेंगे, इनका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हरी मिर्चें दो, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इनका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट अब रेडी है। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुकिंग पॉट को रख दिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। देखिए तो सब गर्म होने देंगे घी को। अब हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉटे करेंगे इन्हें। देखिए लहसुन और अदरक पेस्ट की खुशबू आने लगी है। अब हम इसे, जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज और हरी मिर्च का, वो डालेंगे। देखिए अब हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। कुटा हुआ सौंफ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक हसबे जायका, कुटा हुआ सफेद जीरा, कलवंजी। और अब हम तमाम मसालों को भूनेंगे। ठीक है, हमें थोड़ा सा भूनना है ताकि तमाम मसालों और प्याज का जो कच्चापन है उसको पकाना है हमने। ये देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें उबले हुए छोले ऐड करेंगे, डालेंगे। ये देखिए छोले पहले से उबले हुए हैं हमारे, इसलिए हम इसमें, ये देखिए तमाम मिक्स हो गए। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे। और अब हम इसको कवर करेंगे। 10 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया है ताकि हमारे छोले अच्छे से बॉयल आ जाए हमारे छोलों में। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारे छोले
रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अब हम गार्निशिंग करेंगे धनिया और ये छोले अब रेडी है। ये हमारे छोले अब तैयार हैं, जिसे आप पूरियों के साथ एंजॉय कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।